नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कई मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उठाए गए सवालों पर उन्होंने गुरुवार को पलटवार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आपके सामने कहना चाहता हूं कि एक बार तेजस्वी यादव भगवान की कसम खाकर कहें कि जब वो सरकार में थे तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वह किस तरीके से दुकान चलाए थे। ईडी और सेबी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। सरकारी एजेंसियों पर सवाल खड़े करने के बाद कांग्रेस के पास जो समय बचता है उसके बाद वह तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस जब सैनिकों पर सवाल खड़ा कर सकती है तो हमारी सेना के जवान पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तब वह सबूत मांगती है। आगे दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस जब सेना पर सवाल खड़े कर सकती है तो आप सोच सकते हैं कि उसका नैतिक पतन कितना गिर गया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो यह ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ यह भी बता दें कि बिहार कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च खुलासा, अडानी, सेबी और ईडी को लेकर गांधी मैदान से ईडी कार्यालय तक धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध मार्च में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं तेजस्वी यादव गुरुवार को नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की आज स्थिति राक्षस राज वाली हो गई है। नीतीश कुमार के पास जो उनके चेले बचे हैं वह पैसा लेकर एसपी डीआईजी की पोस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है। यह हालात इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार के अगल बगल जो चेले हैं, बिचौली हैं, वह खुलेआम पैसा लेकर पोस्टिंग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बिहार का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है किस तरह से तेजस्वी यादव लगातार सिलसिलेवार नीतीश कुमार पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए गठबंधन में भी कहीं ना कहीं फूट के आसार दिख रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान सीएम पद की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं जीतन राम मांझी 25 सीटों की बिहार के अंदर मांग कर देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन टूटकर बिखरता हुआ नजर आएगा या फिर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आएगी। और अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो क्या नीतीश कुमार यहां पर पाला बदल कर तेजस्वी यादव के पास या फिर आरजेडी के पास जाते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या कुछ खास होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।